चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि किसी भी फॉर्म में जो है सो पोस्ट कार्ड साइज का फोटो आप खुद से कैसे बना पाएंगे। लगभग फॉर्म में जो है पोस्ट कार्ड साइज का फोटो मांगा जा रहा है, पोस्ट कार्ड साइज का फोटो होता क्या है उसे देख लीजिए। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे पीडीएफ फाइल में तो वो आपको पोस्ट कार्ड साइज का ये देखिए ये आपको फॉर्मेट भी दे दे रहा है और आपको बताया जाता है सेम एज अपलोडेड ऑन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि फॉर्म भरते समय आपने इमेज दिया था उसी का पोस्ट कार्ड साइज का फ़ोटो उसे चाहिए। और वो जो एक डिक्लेरेशन पेपर जो होता है फॉर्म होता है सेकेंड पेपर, उसी पे आपको ये चिपकाना होता है। सिंपली आपको क्या करना है अपने फोटोशॉप को खोलना है और जो है उसमें क्या करना है उसे, अगर आपका ये फोटोशॉप जो है सो एडब रीडर सपोर्ट करता है, पीडीएफ फॉर्मेट सपोर्ट करता है ठीक है, नहीं तो आप क्या करें इसे इमेज में कन्वर्ट कर लें। इमेज में कन्वर्ट करने के लिए जो है सो आप इसका यहां से जो है सो ऑनलाइन भी इमेज कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ टू जेपीजी, या इसे क्रॉप कर सकते हैं आप, या जो है सो आपको क्या करना है कि पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटो साइज होता है उसको आपको फोटोशॉप में सेलेक्ट कर लेना है और उस पर आपको फोटो बनाना है। तो हम आपको यहाँ पे बना के दिखाएंगे। तो चलिए वो फॉर्मेट हम सपोर्ट प्रिंट ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप में। देखिए CS5 अगर है तो डायरेक्ट ही सपोर्ट कर जाएगा एडब आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे और हम एडमिट कार्ड से ही फोटो ले लेंगे। अगर मेरे पास फोटो सेम है तो ठीक है, नहीं तो उसी से हम ले लेंगे। कंट्रोल सी करके इसे कॉपी कर लेंगे और इसे फिर से हम ओपन करेंगे उसी पीडीएफ फाइल को जिसे हम ओपन किए थे। और इसको जो है सो इस बार क्या करना है, हमें पेज में रहने देना है और सेकंड पेपर को ले लेना है अगर हमें साइज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो। हम सिंपल तरीका से आपको बता रहे हैं। और इसमें क्या करना है, कंट्रोल वी करके इसे इसके फॉर्मेट साइज में हमें ले आना है। अब देखिए इसमें अब जो है सो इसे क्या करना है कि इसमें सेलेक्ट कर लेना है और इसको हमको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, हो गया। अब हमें एक न्यू पेज ले लेना है और इसको जो है सो क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करके इसमें डाल देना है। तो ये मेरा पोस्ट कार्ड साइज का फोटो आ गया इसमें। अब हम कंट्रोल एम से थोड़ा सा इसका लाइट ब्राइटनेस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ प्रिंट में जाना है, जो भी आपका प्रिंटर है फोटो निकालने के लिए उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसकी क्वालिटी थोड़ा सा हाई से मैक्सिमम अगर है तो उसको कर लीजिए और यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए। जैसे प्रिंट करेंगे तो आपका वो जो प्रिंटर है वो कनेक्ट होना चाहिए, आपका वो प्रिंट ले लेगा, ठीक है। और प्रिंट होकर के आप इसे पोस्ट का ये फोटो पेपर में प्रिंट कर लेंगे और बड़ी आसानी से आप खुद से प्रिंट कर पाएंगे। और अगर फोटो नहीं भी है तो ये आपको जो फार्मूला हम बताए ये कारगर काम आ जाएगा आपको। और कोई विशेष अगर जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, इसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।